अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मिर्ची मसाला। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। करेलों का सालन मैं आज आपको इस तरह से बना के बताऊंगी कि कुछ लोगों को करेले कड़वे लगते हैं तो आपको बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। सो लेट्स सी आवर रेसिपी। लगाने के बाद एक घंटा के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने इसे पानी से अच्छी तरह धोया ताकि जो इसका नमक है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। उसके बाद हमने इसे हाथ से पकड़ के अच्छी तरह से निचोड़ा ताकि जो नमक था इसके अंदर जो ज़्यादा चला गया था इसके अंदर और जो कड़वाहट थी वो करेलों की बिल्कुल निकल जाए और करेले हमारे बिल्कुल कड़वे ना बने। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा ताकि आपके करेले कड़वे ना बने। कुछ लोगों के करेले कड़वे बनते हैं। तो मैंने बताया आपको सारा कि हमने कैसे बनाया। पहले मैंने छीला इसको, उसके बाद मैंने काटा इसे, दरमियान से उसके बीज निकाले, काटने के बाद मैंने इसे नमक लगाया, एक घंटे के लिए छोड़ा मैंने। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है, इससे करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। क्योंकि हमने कितने कितने इंग्रीडियंट्स लिए हैं, तो हमने जो करेले हैं हमने 1 किलो लिए हैं, जो प्याज हैं वो हमने 3 पाव लिए हैं, उसके बाद हमने लिए हैं 4 अदद टमाटर, और ये हमने लिए हैं मिर्चें, और 1 लीमू लिया है। हमने मिर्चों को भरना है तो उसका प्रोसीजर मैं आपको थोड़ी देर जब हम अपना शुरू करेंगे हांडी वगैरह पकाना तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसका प्रोसीजर। कढ़ाई में तेल डाल लिया है, अब हम इसमें अपने करेले फ्राई करेंगे। हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं तलने के बाद, ये बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही खाकर देख सकते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने प्याज ऐड करने हैं, अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे। ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं, अब हम इसमें वक्त से चम्मच हिलाते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी, नेक्स्ट स्टेप है मिर्ची भरनी है हमने। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला, और चाहिए 8 से 10 अदद मिर्चें, और 1 मीडियम साइज लेमन। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मसाला ऐड कर लें। ये दरअसल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा सालन है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बने, इसका सालन का टेस्ट दोबारा हो जाएगा इससे। ये अचार गोश्त मसाला भरने से ये जो इसका टेस्ट है ये पूरे सालन में फैल जाएगा और हमारा सालन और भी मज़े का बनेगा। तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, हमारे प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। हमने इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करने हैं, उसमें है हमारे पास 1 टेबल स्पून सॉल्ट,
1 टेबलस्पून अदकुटी मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जार और उसको अच्छे से हिलाएंगे। ये थे ना, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, तकरीबन हमारी हांडी बिल्कुल तैयार होने वाली है। अभी जो हमने मिर्चें भर के तैयार की थी वो हम इसमें रख रहे हैं। तो ये मैंने इसमें रख दी, अब हम इसे हल्का सा हिलाएंगे। अच्छा, तो अब हमने इसे अच्छे से हिला लिया है, अब हमारी करेले बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं। करेले का सालन बिल्कुल तैयार है, इसे आप गरम गरम रोटी और ठंडी ठंडी लस्सी के साथ बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए होती है या आप कुछ डिमांड करना चाहते हैं तो आप कमेंट में प्लीज़ बताया करें कि आज हमें ये बना कर दें, तो मैं प्लीज़ आप मैं पूरी तरह आपकी ख्वाहिश में पूरी तरह उतरने की कोशिश करूँगी।